अचानक हम सो रहे थे सुबह, तो दोस्तों ने आके जगाया कि बाहर जाके देखो स्नोफॉल है। हमने जैकेटें पहनी, भागे बाहर जाके स्नो। हेलो गाइस, आमो व्लॉग की तरफ से मैं हूँ आमो। आप देख सकते हैं कैमरामैन अक्षय के साथ अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मरी माल रोड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन -1, आप देख सकते हैं कि रश है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि स्नोफॉल जो है वो आज थोड़ी कम हुई है, इसके बायस यहाँ पे आपको जो है वो रोड जो है वो खाली नज़र आ रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो आज नहीं हुई, तो आए हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ पे तासुरात क्या हैं, उनको सर्दी में कैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आपको मिलवाना चाहेंगे, यहाँ पे रेंडमली एक विज़िटर आए हैं लाहौर से, तो पूछते हैं कि सर आपका नाम? कामरान खान मेरा नाम। अच्छा, तो सर आप लाहौर से आए हैं? जी लाहौर से आए। सही, तो कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? हम कल शाम से। अच्छा, आप कल शाम से, यानी कि ये कल शाम से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रात को स्नोफॉल देखने को मिली या नहीं? रात को तो हम लेट हो गए थे, मगर सुबह मिली है। अच्छा, तो काफ़ी लोग जो हैं वो मायूस हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? जारी बात है, मायूस तो हम भी हुए थे जब आए थे ना पहले, ठीक है मायूस हुए थे, मगर सुबह अचानक हम सो रहे थे सुबह, तो दोस्तों ने आके जगाया कि बाहर जाके देखो स्नोफॉल है। हमने जैकेट पहनी, भागे बाहर जाके। सर्दी लाहौर में ज़्यादा है मरीज है इस वक्त। अच्छा, हाँ जी, वहाँ यहाँ 6 डिग्री है, वहाँ पे 3 डिग्री है। अच्छा, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि कामरान भाई का दावा है कि मरीज से ज़्यादा सर्दी है इस वक्त लाहौर में है। आई थिंक ये लाहौरी होने की वजह से ये साबित कर रहे हैं कि जो भी हो जाए लाहौर लाहौर है। बेशक जी, लाहौर लाहौर है। चले कामरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आए थे मोशन राइड के लिए, आप देख सकते हैं हमारे पास टिकट, लेकिन रेंडमली यहाँ पे हमें मिल गए एक हमारे दोस्त जो हमें बड़े ताजुब से देख रहे थे। तो हमारे पूछने पर हम लोगों ने उनके अपना चैनल के बारे में बताया, तो उनसे पूछते हैं सर आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम उसामा है। सर कहाँ से आप आए हैं? हम वाकेंट से हैं मेरे भाई। यार इस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे एक दफ़ा के कहने पे भैया ने हमें सपोर्ट किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, और उम्मीद है कि ये आगे जैसे जय हो मूवी में सलमान खान बोलते हैं कि 3 लोगों को आगे और बताएं, और उनको भी बोले आगे 3 लोगों को और बताएं, तो आई होप कि आप भी ऐसे ही करेंगे। माशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे जो दोस्त यार हुए मैं उन सबको लिंक भेजूंगा, सबको मैं भाई को ओके करवा के दूँगा। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, देख सकते हैं कि हमें अगर इस तरह के सपोर्टर कुछ और मिल जाएं तो डेफिनेटली वी विल ग्रो अप। तो बहुत शुक्रिया उसामा भाई, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट। अच्छा, तो गाइस जैसे जगह आप देख सकते हैं कि रेंडमली हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, फैसलाबाद के कुछ लोग हमें पहले भी मिल चुके हैं, अभी एक ग्रुप हमें दोबारा से मिला है जो भी कि फैसलाबाद से है। हम आए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? अब्दुलरहमान सर। अब्दुलरहमान साहब आप फैसलाबाद से आए हैं? जी सर। अच्छा, तो किस दिन आप यहाँ पे आए थे? यार वैसे ही घूमने आए थे, छुट्टियाँ वगैरह थी, हमने कहा चले फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, कज़न आया हुआ था कराची से। अच्छा, तो हमने कहा चले ज़रा फन हो जाएगा। अच्छा, फैसलाबाद में बस घूमते रहते हैं, मैंने कहा चले ज़रा मरी आ जाते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, साथ स्नोफॉल देखनी थी हमने। अच्छा, ये है कि हमने स्नोफॉल देख लिया, अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत मज़ा आया है। सही जी, तो आप लोग यहाँ पर किस दिन आए थे? हम आए थे यहाँ पर फ्राइडे को, फ्राइडे की शाम को ही हमें स्नोफॉल मिल गई थी। अच्छा, तो ये भाई आए हैं कराची से, तो हमने तो ये सुना कि कराची में इतनी सर्दी नहीं होती। हाँ, तो यहाँ पे आप आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब, क्योंकि आप मतलब कराची के आदि हो, यहाँ पे मरी में ऐसी आपको सर्दी देखने में मिल रही है? यहाँ मज़ा बहुत आया, सर्दी पहली बार इतनी देखी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन हो गया मैनेज बस। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा यहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ का, बहुत मज़ा आया, जिस नीयत से आए थे स्नोफॉल की, वो स्नोफॉल भी मिल गई। अच्छा चले यार, गाना तो इनमें से कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन ये आए हैं फैसलाबाद से, तो वहाँ की जो एक चीज़ मशहूर है वो सारा पाकिस्तान जानता है कि जुगतों की वजह से मशहूर है फैसलाबाद, तो चले भाई से एक आधी जुगती ही सुन लेते हैं। असलम पेताला समोसा होता। तो बहुत शुक्रिया असलम भाई, ठीक है, तो ओके बहुत शुक्रिया। हम लोग दोबारा आ गए हैं अपने पंजाब में, तो पंजाब की शान हमें दोबारा मिल गए हैं फैसलाबाद के भाई, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम? समर अब्बास जी। भाई फैसलाबाद से आए हैं हम, यहाँ कल आए थे, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, तो 2-3 दिन यहाँ रुकेगी हम, तो फिर वापस जाएगी। अच्छा, तो आप भी स्नोफॉल का सुन के आए हैं या वैसे रेंडमली आपका प्रोग्राम बना था आने का? कल आए थे हम, स्नोफॉल हुई थी थोड़ी बहुत, तो लेकिन अब तो बस वैसे इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह स्नोफॉल हो तो अच्छा मज़ा आएगा। तो चलिए आप एक गाना ही सुना दे यार।
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਈਆ ਜੀ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब के लोग हमें काफ़ी मिल रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं जो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, तो अभी हम पूछते हैं वो भाई से। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवाज़ अली रहमान अली। अच्छा, तो भैया आप लोग यहाँ पे कब आए हैं? सर हमें कोई 1.5 से 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे आए हैं। पहले हम मुजफ़्फ़राबाद गए थे, हमारा दोस्त है वहाँ पे, AJK यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसके पास हमने स्टे किया था। हम फ्राइडे के निकले हुए हैं रात के, हम रात वहीं पर रुके थे, फिर उसके बाद हम गए पीर चिनाई हम गए, वहाँ पे जाके हमने स्नोफॉल देखी काफ़ी। पीर चिनासी गए, वहाँ पे जाके हमने स्नोफॉल देखी, वहाँ पे जाके हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम वापस जो हैं वहीं पे रुके रात को, फिर हम यहाँ पे आए कुछ देर के लिए। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, उसके बाद लाहौर। अच्छा, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का ट्रिप भी अच्छा रहे, जैसे कि आपका स्टार्टिंग ट्रिप अच्छा रहा है। अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया कीमती। तो आप लोग अभी घूमें फिरें और इन्जॉय कीजिए, बहुत शुक्रिया।